आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन साउथ कोरिया की। इससे पहले अगर आपने नॉर्थ कोरिया की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देख लें। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे नए नए वीडियोस लाते रहते हैं। सो लेट्स गो टू साउथ कोरिया। इससे पहले मैं साउथ कोरिया के बारे में आपको कुछ बताऊं, साउथ कोरिया का नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? साउथ कोरिया की आबादी 5,13,00,000 है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 29वां देश है, जिसमें 15% बुद्धिस्ट, 28% क्रिश्चियन और 56% वो लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश 107वें नंबर पर आता है, जिसके ऊपर नॉर्थ कोरिया और तीन तरफ से समुद्र घिरा हुआ है। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर सियोल है और यहाँ 98% लोग पढ़े लिखे हैं। साउथ कोरिया में बच्चा पैदा होते ही 1 साल का माना जाता है, पर आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है और इसीलिए इसे 1 साल का कंसिडर किया जाता है। और उससे भी अजीब बात कि यहाँ के सारे लोग 1 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। कितना अजीब है ना? यहाँ बर्थडे पार्टी कौन मांगता होगा यार? आप अंधविश्वास के बारे में तो जानते होंगे, यही कि काली बिल्ली रास्ता काट दे तो कुछ बुरा होता है, और भी बहुत कुछ हमारे देश में अंधविश्वास होता है। पर साउथ कोरिया जैसे डेवलप और प्रोग्रेसिव देश में भी लोग अंधविश्वास पर यकीन रखते हैं, जैसे कि नंबर 4 को यहाँ मनहूस माना जाता है और इसकी जगह लोग एफ वर्ड का यूज करते हैं। यहाँ बिल्डिंगों में या अलग अलग जगह पर नंबर 4 को स्किप कर दिया जाता है या उसकी जगह पर एफ वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। पंखे तो आप सभी के घरों में लगे होते हैं, लेकिन साउथ कोरिया में लोग छत वाले पंखे इस्तेमाल नहीं करते हैं, कि उनका मानना है कि रात में पंखा उनके ऊपर गिर गया और मर गए तो, इसलिए वो सीलिंग फैन का इस्तेमाल नहीं करते। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर वो नेट की वजह से रुक रुक कर चलने लगे तो आप इरिटेट होंगे ना, आपको गुस्सा आएगा ना? लेकिन यहाँ साउथ कोरिया में इसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया में इंटरनेट स्पीड दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर YouTube वीडियो 1080 में चलाओ या 4K में, वीडियो एकदम स्मूथ चलेगा। साउथ कोरिया में शराब पीना आम सी बात है और एशिया में सबसे ज़्यादा शराब कंज्यूम साउथ कोरिया के लोग करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके घर पर किसी चीज़ की पार्टी है और सारे गेस्ट आपके लिए टॉयलेट पेपर और साबुन लाए तो बहुत अजीब लगेगा ना? बट यहाँ साउथ कोरिया में लोग गिफ्ट में टॉयलेट पेपर देते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये देने से आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। तो आप भी ट्राई कीजिए किसी को गिफ्ट में टॉयलेट पेपर देकर, और हाँ, रिस्पॉन्स कमेंट में ज़रूर बताना। साउथ कोरिया सर्जरी और कॉस्मेटिक के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। साउथ कोरिया में हर 3 में से 1 औरत किसी न किसी तरह की सर्जरी कराती ही है। यहाँ की औरतें वुमेन विद द परफेक्ट फेस की एग्जाम्पल है और यही वजह है कि यहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत नजर आती हैं। यहाँ प्लास्टिक सर्जरी दूसरे देशों की बनिस्बत बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, जिसकी वजह से लोग दूसरे देशों से सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए साउथ कोरिया आते हैं। कॉस्मेटिक्स लड़कियों की सबसे ज्यादा फेवरेट चीज होती है, जो उनके चेहरे को निखार देती है। पर अगर यही कॉस्मेटिक्स के सामान लड़के यूज करें तो आप लोग तो पता नहीं उसका क्या हाल करेंगे। लेकिन साउथ कोरिया में लड़के बड़े शौक से कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और लाखों रुपए सिर्फ और सिर्फ हैंडसम दिखने के लिए खर्च करते हैं। और यही वजह है कि साउथ कोरिया के लड़के इतने हैंडसम दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, आपने BTS का नाम सुना होगा, स्क्विड गेम मूवी देखी होगी, गंगम स्टाइल जो एक टाइम पे YouTube का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सॉन्ग था, पैरासाइट जिसको न जाने कितने एकेडमिक अवार्ड मिले, ट्रेन टू बुसान, ये सारी मास्टरपीस चीज़ें साउथ कोरिया ने प्रोड्यूस की हैं। साउथ कोरिया दुनिया में टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में बहुत आगे है, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इनमें से कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट आप रोज देखते होंगे, इनफैक्ट इस्तेमाल करते होंगे, जैसे कि LG, होंडाई, सैमसंग, किया। और सैमसंग कंपनी इस देश की इकोनॉमी की बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स साउथ कोरिया के बारे में। तो आपको साउथ कोरिया के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही अमेजिंग देशों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस 20 देशों की जर्नी में शामिल रहिए, और हमें अमेजिंग फील कराने के लिए वीडियो को लाइक करें। एंड लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।